हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है पिक्स कैम। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और कैसे नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक का जरूर देखना। आपको वीडियो कभी भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगी। मेरे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद सिंपल तरीके से इसको ओपन आपको कर। तो दोस्तों, आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस सिंपल सा यहाँ दिखाई देगा और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर दिखाई देगा गो टू ऐप। तो यहाँ पर गो टू ऐप पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग फोटो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर है फोटो एडिटर। तो यहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग करने का मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद ग्रिप पोस्ट, मतलब आपके जो फोटो है उसके आप यहाँ पर अलग अलग भाग यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा दूँ तो उस तरीके से आप यहाँ पर फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेरी गैलरी में, और गैलरी में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो मैंने ये बनाया है दोस्तों। तो इस तरीके के फोटो आप अलग अलग भाग में आपका ये फोटो ये ऑप्शन में यहाँ पर बना सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर स्विंग पोस्ट, यहाँ पर आप एक पोस्ट के दो पोस्ट यहाँ पर बना सकते हैं, और नीचे के साइड में आप वीडियो एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एक तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करके बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा वीडियो यहाँ पर बन जाएगा। तो मैं एक या दो यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कैसे आप यहाँ पर फोटो एडिटिंग आपकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर गैलरी में से कोई भी फोटो यहाँ पर चूज कर लेना है। आपका जो भी फोटो हो वो फोटो आपको यहाँ से चूज कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ से चूज करेंगे तो यहाँ से आप यहाँ पर आपके फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, ब्रूस कर सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके फोटो में अलग अलग फिल्टर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे चाहे वैसे फिल्टर आप आपके फोटो में यहाँ से लगा सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इमोजी वाला ऑप्शन। तो आपको आपको फोटो में कोई इमोजी लगाना है तो इमोजी यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टिकर लगाना है तो अलग अलग स्टिकर के पैक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा आपका इंटरनेट ऑन करके, और उसके बाद यहाँ से आप स्टिकर भी आपके फोटो में लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रिप पोस्ट में आप आपके फोटो में सिर्फ आपको फोटो सिलेक्ट करना है और आप आपके फोटो के अलग अलग भाग यहाँ पर बना सकते हैं। तो सिर्फ एक फोटो आपको यहाँ पर गैलरी में से चूज कर लेना होगा और उसके बाद आप आपके फोटो यहाँ पर बना सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिंपल सा ये सिंपल फोटो भी है, उसके आप एक फोटो के दो फोटो यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो जैसा ये फोटो मैंने ले लिया दोस्तों और ये सिलेक्ट यहाँ पर कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो एक हो गया और ये फोटो दो हो गया। तो इस तरीके के सिंपल फोटो भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, और इसमें नीचे के साइड में वीडियो भी एडिट यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ये एप्लीकेशन में कैसे ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।